तो आज से लखीमपुर खीरी में डेरा डालेंगे राकेश टिकैत और 3 दिन के लिए वहीं पर ही रहेंगे। इसके साथ ये भी जानिए कि लखीमपुर कांड में जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात रहेगा, उसका सिलसिला रहेगा और जेल में जो किसान बंद हैं उनसे भी टिकैत मिलेंगे। अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग भी उठाएंगे टिकैत। बिल्कुल, राकेश टिकैत एक बार फिर से धरने पर बैठने वाले हैं और 3 दिन का ये पूरा एक 3 दिन रहेंगे। ये बीते साल 3 अक्टूबर को ही कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को लखीमपुर खीरी में एक जीप उन पर चढ़ गई थी, जिसकी जांच पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर की और उन्हें मुख्य आरोपी माना गया और इस पूरे प्रकरण को सोची समझी साजिश करार दिया गया, जिसे लेकर विपक्ष और किसान नेता राकेश टिकैत लगातार टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज से राकेश टिकैत लखीमपुर में डेरा डालने वाले हैं और पीड़ितों से मुलाकात कर पूरी तरह से माहौल तैयार करेंगे। तो स्नेहलता, चुनावों से पहले इस तरह राकेश टिकैत का 3 दिनों का ये पूरा कार्यक्रम कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बिल्कुल, और लखीमपुर उस जगह पर जाना, उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जहां से सियासत कितनी गरमाई थी ये सभी जानते हैं और ऐसे में चुनाव इतने नजदीक हैं, वहां पर पहुंचना, किसानों से बातचीत करना, खासकर पीड़ित किसान जो जेल में बंद है, जिन पर भी वो भी जद में आए थे, मुकदमों के दायरे में आए थे और कुछ किसानों की मांग थी कि उनके मुकदमे वापस नहीं किए गए, जबकि शर्त ये थी जब आंदोलन वापस भी लिया गया कि हर तरीके के मुकदमों को वापस लिया जाएगा। हालांकि ये प्रकरण दूसरा था, अब देखना होगा यहाँ किस तरीके की घेरेबंदी करते हैं, किसानों को कितना कन्विंस करते हैं, पीड़ितों को एक बड़ा मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए, ये तमाम मांगे उन्होंने रखी थी। उधर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही यूपी में सियासी दिग्गजों की सीटों को लेकर भी कयासों का सिलसिला लगातार चल रहा है और अखिलेश यादव ने इस बार मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल अनु, देखिए ये बेहद अहम है, जिसके बाद आजमगढ़ छोड़कर सुरक्षित सीट का चुनाव करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश ने आजमगढ़ सीट क्यों छोड़ दी। चुनाव लड़ेंगे अखिलेश, जनता को सीधा संदेश। अखिलेश की तैयारी से पश्चिम विजय का प्लान, अखिलेश का खुला ऐलान। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में अखिलेश यादव ने ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है, साथ ही उस सीट का ऐलान भी कर दिया है जिससे अखिलेश चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जानकारी के मुताबिक अखिलेश ने अपने लिए मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि मैनपुरी को चुना है। अखिलेश मैनपुरी की करल हल सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि रही मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश ने बीते 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इशारा भी किया कि वो इटावा या मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। करहल विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी की परंपरागत और मजबूत सीट माना जाता है, यहाँ करीब 1.5 लाख वोटर हैं। गौरतलब है अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा योगी आदित्यनाथ की सीट के ऐलान के बाद से होने लगी थी। भाजपा लगातार अखिलेश पर दबाव बना रही थी। मेरे चुनौती देने के बाद कि श्री अखिलेश यादव जी कहते थे हमने विकास किया है, जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ने का मतलब साहस दिखाया, ये मुझे मतलब बहुत एक अलग प्रकार से लगा है कि हाँ उन्होंने साहस दिखाया। लेकिन कहां गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की, अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाएं। हालांकि पहले अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी, खुद अखिलेश यादव ने कहा था चुनाव लड़ने से पहले उन्हें आजमगढ़ की जनता से पूछना होगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। लेकिन साथ ही साथ अखिलेश ने एक बात और कही थी,
कि हो सकता है वो योगी से पहले चुनाव लड़ दे। और अब ये साफ हो गया है क्योंकि जहां मैनपुरी में तीसरे चरण में 20 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, वहीं गोरखपुर में छठे चरण में 3 मार्च को चुनाव होगा। कहीं कोई चूक ना हो इसके लिए तेज प्रताप यादव को मैनपुरी करहल का प्रभारी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।